मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज 18 जून 2020 और दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर की अपन ने जो सीरीज शुरू की थी उसका सेशन नंबर 170 है। दोस्तों ये जो टॉप 10 करंट अफेयर की अपनी सीरीज है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा की तरह दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज की अपनी मोटिवेशन लाइन है, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, कहने का मतलब है दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि आपको अच्छे दिन लाने हैं तो मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस हर साल दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वह है सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कार्ल लैंडस्टेनर ने वर्ल्ड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था। जो ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों अपने AB, O, AB, तो इनसे दुनिया को किसने अवगत करवाया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने इससे दुनिया को अवगत करवाया था। वर्ल्ड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म 14 जून को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के दिन रक्तदान दिवस या रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों WHO की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और इसके महानिदेशक है वर्तमान में टेड्रोस अडोनोम और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों मिशन सुविधा। मिशन सुविधा क्या है? ST&SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को सम्मान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की। ये बात है दोस्तों ओडिशा सरकार की, तो ओडिशा सरकार का जो ST&SC कल्याण विभाग है उसने जो आदिवासी छात्रावास है उनके ढांचा सुधारने के लिए सम्मान मानक प्रदान करने के लिए उन्होंने ये मिशन सुविधा शुरू की है। ओडिशा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओडिशा जो है वो जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात कर लेते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल जी, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी और राजधानी है भुवनेश्वर। और हाल ही में दोस्तों जो वंदे उत्कल जननी है उसको ओडिशा का राज्य गान हाल ही में घोषित किया गया। वंदे उत्कल जननी को हाल ही में ओडिशा का राज्य गान घोषित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है अपना सहकार मित्र योजना। सहकार मित्र योजना क्या है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है। तो सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया। तो दोस्तों जो भारतीय संगीतकार है और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की स्थापना की थी शोभा शेखर, उनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है वर्तमान में वाकई स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? स्कॉट मॉरिसन। और जो ये ध्वज दिख रहा है आपको, ये वाकई ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों स्त्री कार्यक्रम। स्त्री कार्यक्रम क्या है? इसके फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? STREE टर्म्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्विलिटी एंड एम्पावरमेंट। हैदराबाद सिटी पुलिस ने
हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसलिंग के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। सी ट्रम्प्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्विलिटी एंड एम्पावरमेंट। बात कर लेते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में के चंद्रशेखर राव जी और तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदर राजन जी और आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नए राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को दिया गया था और उस समय इसको भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, रूस के अलेक्जेंडर सस्टोव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अलेक्जेंडर सस्टोव जो रूस के है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट CAS द्वारा पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने या प्रास करने के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित उनको कर दिया गया है। उन्होंने 2010 में यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में उन्होंने यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता था। बात कर लेते हैं रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति है वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन जी और राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है बाकी रूसी रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल रूस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का हाल ही में निधन। बुरुंडी के राष्ट्रपति है पियरे कुरुंजीजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगस्त में उनके सत्ता छोड़ने वाले थे वो। और राष्ट्रपति को इनको 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए इनको जाना जाता था। उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी वो हो चुके थे। 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान हो चुके थे शांति प्रयासों के लिए। बात कर लेते हैं बुरुंडी की, तो बुरुंडी जो है वो एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बुंजबुरा या गिटेका। दोस्तों जो पहले इसकी राजधानी बुंजबुरा थी, हाल ही में इसकी राजधानी को गिटेका बनाया गया है। और बुरुंडी की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक, बुरुंडियन फ्रैंक बुरुंडी की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए हाल ही में एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष है जी किशन रेड्डी जी। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी को समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इसका जो उद्देश्य है वह एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और साल 2020 के अंदर जब 13 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया तो उसका विषय था मेड टू साइन विषय के तहत 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। यह एक दुर्लभ वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आँखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। अल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में एशियाई शेरों की संख्या 676 हो गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 थी, जो बढ़कर साल 2020 में 676 हो गई, जो शेरों की आबादी 29% बढ़ी है। तो दोस्तों 2015 में जो एशियाई शेर है जो गुजरात में पाए जाते हैं उनकी संख्या 523 थी, 2020 में बढ़कर 676 हो गई, लगभग 29% की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है जो कि एक रिकॉर्ड है। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में यह जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा किसने की है दोस्तों? गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा साल 2015 से साल 2020 की अवधि में शेरों के इलाकों में भी 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपानी जी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। और जो अभी अपन ने बात की गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाता है, यह गुजरात में ही स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से, सॉरी ये निम्न में से गलत हो गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में हाल ही में जिनका निधन हो गया, पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित हो चुके थे, उर्दू के शायर है, तो इसका उनका नाम है दोस्तों आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी। आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी जिनका 93 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुके थे। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो 1975 में शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के वो संपादक थे और इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए, खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। हिमा दास का जो एथलीट है हिमा दास, उसका नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय ने भेजा है, किस राज्य सरकार ने भेजा है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।